प्राचीन भारत के इतिहास में कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जो हमें गौरवान्वित करते हैं, क्योंकि आज के मॉडर्न वैज्ञानिकों ने जो आविष्कार किया है वो हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों ने कई सालों पहले किया था। भारत में रिसर्च करने वाले कई गुमनाम वैज्ञानिक हैं, उनमें से एक आर्यभट्ट के आविष्कारों के बारे में आज हम देखेंगे। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलशास्त्री और गणितज्ञ थे। उनके कार्य आज भी विद्वानों को प्रेरणा देते हैं। वह उन पहले व्यक्तियों में से थे जिन्होंने बीजगणित यानी कि एलजेब्रा का प्रयोग किया। जो सिद्धांत कॉपरनिकस और गैलीलियो ने प्रतिपादित किए थे उनका सुझाव आर्यभट्ट ने हजारों वर्ष पूर्व ही दे दिया था। निकोलस कॉपरनिकस के बहुत पहले ही आर्यभट्ट ने यह खोज कर ली थी कि पृथ्वी गोल है और उसकी परिधि अनुमानतः 24,835 मील है। आर्यभट्ट ने ही यह बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और बाकी ग्रह भी अपनी भ्रमण कक्ष में सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जबकि बाकी लोग पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र मानते थे। आर्यभट्ट ने यह भी आविष्कार किया कि चंद्रमा और बाकी के ग्रह सूर्य की रोशनी से ही चमकते हैं। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के घूमने के हिसाब से समय को अलग अलग बांटा है, जो आज भी हिंदू पंचांग बनाने में प्रयोग किया जाता है। राहु नामक ग्रह सूर्य और चंद्रमा को निगल जाता है, जिससे सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं। हिंदू धर्म की इस मान्यता को आर्यभट्ट ने गलत सिद्ध किया और उन्होंने ये प्रतिपादित किया कि ग्रहणों की मुख्य वजह पृथ्वी और चंद्रमा द्वारा निर्मित परछाई है। खगोल विज्ञान के अलावा गणित के क्षेत्र में भी आर्यभट्ट के योगदान अद्वितीय है। शून्य की खोज करके आर्यभट्ट इतिहास में अमर हो गए, क्योंकि शून्य के बिना गणित की कल्पना भी नहीं हो सकती। उन्होंने त्रिकोण और वृत्त के क्षेत्रफलों को निकालने के लिए सूत्र का सुझाव दिया, जो सही साबित हुए। उन्होंने पाई की अपरिमित मान दिया। उन्होंने पाई का मान 3.1416 के बराबर दिया, जो बिल्कुल सटीक था। उन्होंने आर्यभट्टिया नामक गणित की पुस्तक को कविता के रूप में लिखा। यह उस समय की बहुचर्चित पुस्तक है। इस पुस्तक का अधिकतम कार्य खगोलशास्त्र और गोलीय त्रिकोणमिति, अंकगणित, बीजगणित और सरल त्रिकोणमिति का वर्णन है। ऐसे महान वैज्ञानिक का भारत हमेशा ऋणी रहेगा। खगोल और गणित शास्त्र, इन दोनों क्षेत्रों में इनके महत्वपूर्ण योगदान के स्मरणार्थ भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।